देखिए सुंदर जी, विकास की परिभाषा अपने आप में जो अभी तक पहले से जो सरकारें चलती थी उनका विकास का मायना होता था फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ सड़कें बन जाएं, कुछ स्कूल बन जाएं, कॉलेज बन जाएं, बिल्डिंग्स बन जाएं, रेलवेज, हाईवेज, एयरवेज, यही विकास होता था। ये विकास है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन ये उसका एक हिस्सा है। विकास में और जो बहुत चीजें आती हैं वो आता है कि समाज का रहन-सहन, जी समाज की तकलीफों को कैसे दूर करना, लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स ये कैसे ठीक हो। विकास में निर्माण की बात होती है तो निर्माण केवल भौतिक चीजों का निर्माण नहीं, मनुष्य निर्माण, ये भी विकास की एक कड़ी में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है। और हमने इन सब चीजों पर ध्यान किया है, सड़कें भी बनाई हैं, हॉस्पिटल्स भी बनाए हैं, यूनिवर्सिटीज भी बनाई हैं, हमने अपने यहां जो जो काम किए जा सकते हैं सब विकास के, लोगों की यानी आकांक्षा अपेक्षा के ऊपर हम पूरा उतरे हैं। लेकिन साथ में व्यवस्था परिवर्तन के जितने काम हमने इन 8 सालों में किए हैं शायद ही किसी सरकार ने किए हों।